तो स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस पे। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर Vivo की V सीरीज काफी ही पॉपुलर रहती है इंडियन मार्केट में, और Vivo के V20 के बाद हमें यहाँ पर बहुत जल्द Vivo का V20 Pro इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ हम कंपैरिजन करने वाले दोनों ही फोन्स का, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन आपके सामने मैं बताने वाला हूँ वो रूमर्स के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली यही स्पेसिफिकेशन फोन में हो सकते हैं। तो जैसी फोन लॉन्च होगा वो भी सारी चीज हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। तो बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बात करते हैं दोनों ही फोन के डिस्प्ले साइज के बारे में। 6.44 इंचेस का वाटर ड्रॉप नॉच ड्यूल सेल्फी के साथ Vivo V20 Pro आपको मिलने वाला है। वही 6.44 इंचेस वाटर ड्रॉप नॉच हमें Vivo के V20 में देखने को मिला था। प्रोटेक्शन टाइप दोनों ही फोन का यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि फ्रंट साइड पे काफी ज्यादा इफेक्टिवनेस आपके डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए ये कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास आपको काफी सेफ यहाँ पर डिस्प्ले को रखता है। वही अगर हम बात करें दोनों ही फोन के यहाँ पर डिस्प्ले टाइप की, तो चेंजेस यहाँ पर है क्योंकि Vivo के V20 में हमें एमोलेड मिला था 60Hz के साथ, वही उसे चेंज करके यहाँ पर सुपर एमोलेड रेजोल्यूशन आपको Vivo के V20 Pro में देखने को मिल जाएगा। तो ये चेंजेस यहाँ पर कंपनी ने किया है। उसके बाद अगर कैमरे के हम बात करें तो कैमरे के मामले में दोनों ही फोन काफी शानदार से हैं। मैंने Vivo का V20 का फुल डिटेल कैमरा रिव्यू कैमरे चैनल पर अवेलेबल कराया है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोनों ही फोन में जो रियर साइड के कैमरा से वो सिमिलर से ही आपको देखने को मिलते हैं। 64 का प्राइमरी लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और माइक्रो शॉट के लिए 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, वही सिमिलर Vivo के V20 में हमें देखने को मिला था। लेकिन चेंजेस जो है वो आपको फ्रंट साइड के कैमरास में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच आया, यहाँ पर आपको पंच होल देखने को नहीं मिलता, लेकिन 44 के साथ एक एक्स्ट्रा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको Vivo के V20 Pro में देखने को मिल जाएगा। वहीं आपको 44 की सेल्फी Vivo के V20 में भी देखने को मिली थी। तो कैमरा के मामले में Vivo का V20 काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा था। जैसी फोन Vivo का V20 Pro लॉन्च होगा तो ये चीज भी हम देखेंगे। दोनों ही फोन एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है और स्नैपड्रैगन 765G हमें Vivo के V20 Pro में देखने को मिल सकता है। वहीं हम बात करें Vivo के V20 की, तो एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड स्नैपड्रैगन 720G हमें यहाँ पर देखने को मिला था। तो परफॉर्मेंस को थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी ने अपग्रेड करने की सोची है, तो ये भी हमारे सामने जैसी फोन लौटता है तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें स्टोरेज की यहाँ पर, तो दोनों ही फोन का जो बेसिक वेरिएंट है आपको नॉर्मल 8GB 128GB के साथ देखने को मिलता है। मोस्ट टाइम हमेशा से यही चीज हमें Vivo और Oppo के फोन में देखने को नजर आती है। वहीं एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन दोनों ही फोन में हमें देखने को मिले। एक दोनों ही फोन का आप 512GB तक यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, तो दो एक नैनो सिम के साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड यहाँ पर आप फोन में यूज कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें बैटरी परफॉर्मेंस की, तो 4000mAh की बैटरी हमें 33W के चार्जर के साथ Vivo के V20 में नजर आई थी। सिमिलर वही चीज हमें Vivo के V20 Pro में भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो चेंजेस हैं डिस्प्ले टाइप में किया है कंपनी ने, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मेजर चेंजेस हैं वो परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कंपनी ने किया है। तो और भी यहाँ पर चीजें क्या होती हैं वो जैसी फोन लूंगा वो उसके बाद हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पर जो थे यहाँ पर इधर उधर सर्च करके हम लाए थे, और दोनों का प्राइस पॉइंट जो एक्सपेक्टेशन बताई जा रही है, अगर 8GB और 5GB वेरियंट Vivo के V20 Pro लॉन्च होता है तो 29,999 अराउंड 30,000 की कीमत में ये फोन आपको यहाँ पर इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ Vivo के V20 की, तो यह प्राइस आपको 8GB तो 28GB का 25,000 की कीमत में निकल कर आया था। लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले टाइप हमें एमोलेड मिला था, सिंगल सेल्फी थी और रियर साइड पर सिमिलर से कैमरे थे, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा लो यहाँ पर इसको माना गया था। तो ये चीज थोड़ी सी चेंजेस करके प्रो के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। तो आपके क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन का अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।